Hola amigos, I'm Abhay Chopra. Welcome to the Abhay Chopra. आज हम लोग बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन या एडवाइस जो मेरे से मांगी गई थी कि आई एम इन सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज एंड वॉट शुड आई डू टू गेट अ ग्रेट इंटर्नशिप या इवेंचुअली एक जॉब इन फैंग. फैंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ. फैंग इज अ कलेक्टेबल ऑफ मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जिसमें लोग एस्पायर ड्रीम करते हैं वहाँ पे एक जॉब इंटर्नशिप के लिए. फैंग में होता है फेसबुक, अमेजन, नेटफ्लिक्स, गूगल. सो दिस इज़ अ पर्टिकुलर सिनेरियो जिसमें हम सब लोग चाहते हैं कि किसी एक अच्छी जगह पर इंटर्नशिप आए. तो अभी जो अगली तीन वीडियोज आएंगी इंक्लूडिंग दिस वन, उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना चाहिए टू गेट अ ग्रेट इंटर्नशिप, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, मतलब क्या आपका रोल होना चाहिए या मेरे हिसाब से क्या एक परफेक्ट पाथ हो सकता है टू गेट अ जॉब इन फैंग. सो यहाँ पर मैंने अपने नोट्स बनाए थे तो उसमें आपको कलेक्टेबल करते हुए बताता हूँ. सबसे पहले जब आप फर्स्ट ईयर में अपने कॉलेज में एंटर करते हैं, सबके लिए कॉलेज एक नया एक्सपीरियंस होता है. सब लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पार्टीज में जाना चाहते हैं, फ्रेशर्स के लिए बहुत तैयार होते हैं. एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलेज. सो बट गेटिंग इंटर्नशिप या सब कुछ भी पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस होता है. लोगों को लगता है कि स्टडी टफ होगी, ये होगा, तो फर्स्ट ईयर मोस्ट ऑफ द बच्चों का वेस्ट चले जाता है. इंक्लूडिंग काफ़ी जैसे बच्चों का वेस्ट ऐसे जाता है कि वो लोग पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, इंटर्नशिप पोजीशन पे नहीं देते, या कोई दोनों पे ध्यान नहीं देते, उनका पूरा ईयर वेस्ट हो जाता है. मैं आपको समझाता हूँ कि हाउ यू शुड, पढ़ाई पे तो ध्यान देना ही देना है, मतलब दैट इज़ अ थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. बट सबको पता है कॉलेज में कैसे पढ़ाई होती है. सो मैं आपको अलग इंटर्नशिप परस्पेक्टिव से बताऊँगा कि आप, और ये मोस्ट ऑफ प्रॉबेबली बीटेक वाले बच्चों के लिए होगा, ऑलमोस्ट हर एक बच्चे के लिए हो सकता है. बट अभी मैं जनरलाइज थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस और आईटी गाइस के लिए करूँगा, बट मोस्ट ऑफ द बीटेक गाइस यू कैन यूज़ दैट. फर्स्ट ऑफ द थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज एक्सप्लोरिंग द फील्ड. एक्सप्लोरिंग द फील्ड मीन्स कि आप कंप्यूटर साइंस तो आपने चूज़ कर लिया कि यार ठीक है मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट है या समथिंग लाइक दैट, बट उसके अंदर भी लाख फील्ड्स है. साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट एंड लॉट मोर. सो आपको पर्टिकुलर किस में जाना है उसके लिए आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी फील्ड्स. अब आप कैसे एक्सप्लोर करोगे फील्ड्स और कैसे चूज करोगे अपनी पर्टिकुलर फील्ड जो आपको सूट करती है वो मैं बताता हूँ. तो हाउ टू चूज, इसमें हो सकता है सबसे पहला कि आपको कोई भी चीज़ ट्राई करने का मन करा, समझ लो साइबर सिक्योरिटी, तो आप उसका कोर्सेज ऑनलाइन लो, छोटे मोटे यूट्यूब पे वीडियोस देखो, जनरल आइडिया लो कि क्या होता है, क्या फ्यूचर एस्पेक्ट है, देन उसका फ्यूचर एस्पेक्ट ढूंढो, फ्यूचर स्कोप ढूंढो कि क्या इंडिया में कितनी सैलरी जाती है इसके जॉब के लिए, जॉब है भी या नहीं है, अगले 5 साल में रिक्वायरमेंट होगी या होगी जब आप ग्रेजुएट कर जाओ एंड स्टाफ. देन यू शुड सी अबाउट कि उसके आर्टिकल्स पढ़ो, उसके ब्लॉग्स पढ़ो ऑनलाइन जाके कि लोगों के एक्सपीरियंसेस कि वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है तो वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. अगर आपको लगता है कि दिस इंस्पायर्स यू तो या यू कैन गो फॉर इट इन द फर्दर रन. देन द लास्ट पॉइंट इज कि कनेक्ट विद पीपल ऑन लिंक्डइन. समझ लो आपको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप साइबर सिक्योरिटी के बंदों से लिंक्डइन पर कनेक्ट हो, उनसे बात करो कि सर आपके यहाँ कैसे एक्सपीरियंस, आपके यहाँ पे इंटर्नशिप कैसे मिलती है एंड व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस, के आपका लर्निंग एक्सपीरियंस और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस अलग है क्या, इतना डिफरेंस है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस और जॉब के बारे में जानने की कोशिश करो. नाउ इन द फर्स्ट ईयर, उसके बाद ये सब करने के बाद आपको एक कलेक्टिव आइडिया मिल जाता है कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है. अब आपको समझ लो साइबर सिक्योरिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, अगर उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है देन यू हैव टू सिलेक्ट दैट एज योर पर्टिकुलर नीश विच यू आर गोइंग टू फॉलो इन द लॉन्गर रन. वंस यू हैव चोज द पर्टिकुलर नीश, नाउ वट यू हैव टू डू, नाउ तुम्हें फर्स्ट ईयर के एंड पे, मतलब जब सेकेंड ईयर स्टार्ट होना उससे पहले जो तुम्हें समर वेकेशन मिलती है उसमें तुम्हें इंटर्नशिप्स लेनी ही लेनी है. अब कैसे लेनी है, अब इसमें मोस्टली मैं बोलूँगा कि अनपेड इंटर्नशिप्स ही मोस्ट प्रोबेबली मिलेगी बिकॉज यू आर इन फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर पर लोगों को बहुत ही रेयरली इंटर्नशिप मिलती है, तो अनपेड मिले या जो भी मिले आपको ले लेनी चाहिए. अब इंटर्नशिप कैसे होगा, इंटर्नशिप तीन चीज़ों से बेसिकली मिल सकती है. फर्स्ट लिंक्डइन के थ्रू, सेकेंड गूगल जॉब्स इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जिससे आपको काफ़ी सारी इंटर्नशिप मिल सकती है. थर्ड इज़ डिस्कॉर्ड या व्हाट्सएप ग्रुप्स जो होते हैं उनमें आते रहती है जॉब्स. मैं भी अभी रिसेंटली अपने एक स्लैक ग्रुप बना रहा हूँ या व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहला लिंक ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, उसको जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं अपॉर्चुनिटीज़ पोस्ट आउट करते रहता हूँ. देन इसके बाद जो मैं 2 पॉइंट्स के ऊपर बहुत फोकस कर रहा हूँ, फर्स्ट लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज़ करना आपको पूरे फर्स्ट ईयर के रन में बहुत इंपॉर्टेंट है.
ऑप्टिमाइज करना और पर्सनलाइज करना कि लोगों के नज़र में आप आ सको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू गेट इन फोकस ऑन द पीपल हु यू इंस्पायर और हु यू वांट टू वर्क फॉर. द सेकंड थिंग आई वांट टू से इज मेकिंग अ पोर्टफोलियो और अ कलेक्टिबल ऑफ वर्क. वट एवर यू डू, आप कोर्सेज करोगे, कुछ करोगे, प्रोजेक्ट्स बनाओगे, ट्रायल चीज़ें करोगे, तो वो सब एक कलेक्टिबल ऑफ वर्क है जो आपने एक साल में करा. तो अगर आप इंटर्नशिप जब लेने के लिए जाओगे तो लोग मांगते हैं कि आपने क्या करा आज तक, तो आप वो चीज़ दे सको. सो दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट. आई गेस दिस वीडियो वॉज फॉर द फर्स्ट ईयर गाइज हू वॉन्ट टू गेट अ ग्रेट इंटर्नशिप. तो फर्स्ट ईयर में आपको रन में क्या करना चाहिए, दिस इज द थिंग दैट यू शुड डू. या सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके जाना चैनल को. कोई भी और डाउट हो तो कमेंट डाउन कर देना. एंड यहाँ पे आपको चैनल्स में दिख रहे होंगे अलग अलग, तो उस पर जाके मुझे फॉलो अप कर लो. और डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक्स हैं, उन पर भी जाके फॉलो अप कर लो. सो या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. पीस आउट.